आज हम बहुत ही टेस्टी और इजी चीज़ी पास्ता की रेसिपी बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी और चीज़ी बनेगा और इसे आप अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए इस टेस्टी और आसान रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पास्ता बनाने के लिए हमने कढ़ाई को गर्म पे चढ़ा दिया है जिसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। और पानी में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल देंगे। और 2 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। और इसमें अब हम एक बॉईल आने देंगे। यहाँ हमने 250 ग्राम का एक पैकेट लिया है पास्ता का। आप इस रेसिपी को बनाने के लिए कोई भी पास्ता ले सकते हैं। और इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और पानी में उबाल आ गया है तो हम इसमें पास्ता डाल देंगे और पास्ता को अच्छी तरह से कुक होने देंगे। और गैस की फ्लेम हमने हाई रखी है। पास्ता जल्दी कुक हो जाता है तो इसे गलाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। बीच बीच में हम इसे स्टर करते रहेंगे। पास्ता अच्छी तरह से कुक हो गया है तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसका सारा पानी निकाल लेंगे। पास्ता ने काफ़ी पानी हमारा सोख लिया है तो हम इसको एक स्ट्रेनर से छान लेंगे और इसका पानी अलग कर लेंगे क्योंकि हम इसकी ग्रेवी में इसके पानी का यूज़ करेंगे। पास्ता को हमने स्ट्रेनर से छान लिया है और इसे हमने ठंडे पानी से भी धो लिया है ताकि ये आपसी में चिपके नहीं। और यहाँ इसका पानी मैंने अलग निकाल लिया है, हम इसकी ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो अब एक कढ़ाई को हमने गर्म पे चढ़ा दिया है, इसमें हम 1 चम्मच भर के ऑयल डाल देंगे। और इसमें हमने यहाँ 6-7 जवे गार्लिक के लिए हैं जिसे चॉप कर लिया है, इसे डाल देंगे। और गार्लिक के साथ में हमने यहाँ छोटी स्मॉल साइज़ की प्याज ली है, इसे भी बारीक बारीक काट के हमने डाल दिया है। हम दोनों को अच्छी तरह से मीडियम हाई फ्लेम पे स्टर करेंगे। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हमें इसको 2 मिनट के लिए सॉफ्ट कर लेना है। हमने 2 मिनट के लिए स्टर करते हुए इसे सॉफ़्ट कर लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है और ना ही इसका हमें कोई कलर चेंज करना है। हमने 3 बड़े टमाटर लिए थे, इसकी हमने प्यूरी बना ली है तो इसे भी हम डाल देंगे। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाएंगे। टमाटरों को भी हमने 2-3 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून भर के चिली फ्लेक्स लेंगे। आप मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे अभी हम साथ में ही भून लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे। अच्छा सा कलर आ गया है और अच्छी तरह से हमारे टमाटर के साथ में सारे मसाले भुन गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ही नमक डालेंगे, नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पास्ता में भी नमक डाला है तो थोड़ा ही रखेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले भूनते वक्त अगर तले पे लगते हैं तो यहाँ हमने जो पानी निकाल कर रखा है पास्ता का, इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर ही भूनेंगे, इससे अच्छा टेस्ट आता है। तो इसी को ही डालकर आप भूनें जब भी पास्ता बनाएं। अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब थोड़ा सा और पास्ता का पानी डालेंगे और मसालों को भून लेंगे। मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन गए हैं और अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब यहाँ हमने 1/2 कप दूध लिया है, इसे डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। इस तरह से पास्ता बनाने में टेस्ट बढ़ जाता है, बहुत ही टेस्टी पास्ता बनता है। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें पास्ता डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से ऊपर नीचे करते हुए हमने इसे मिक्स कर लिया है। यहाँ हमने 1 चम्मच भर के बटर लिया है, इसे डाल देंगे। और यहाँ हमने 1/2 कप मोज़रेला चीज़ ली है, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा हमारा पास्ता बनता है। तो अच्छी तरह से इसे भी हम मिक्स करते हुए पकाएंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे जिससे कि चीज़ मेल्ट भी हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा इसका। गैस की फ्लेम हमने स्लो रख दी है। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आप देख सकते हैं चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और बटर भी मेल्ट हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और आपको इसे हम चेक कर बताएंगे ये कितना टेस्टी बना है, कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी दिखाई दे रहा है और चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हुई है। तो हम इसे अब सर्व कर लेंगे।
बहुत ही टेस्टी मज़ेदार हमारा पास्ता बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही चीज़ी बना है ये, और इसे हम हरे धनिए की पत्ती से गार्निश कर लेंगे। थोड़ा चीज़ से भी गार्निश कर लेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें केचप डालेंगे। आपको पसंद हो तो डालें, वरना आप इसे रहने दें। तो इस तरह से हमारा टेस्टी पास्ता बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी पास्ता की रेसिपी कैसी लगी।